दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैस्ट्रोल में जो इंजन ऑयल आता है एक्टिव, उसकी असली और नकली की पहचान कैसे करें। कैस्ट्रोल के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट में नकली ऑयल आता है, तो इसकी पहचान कैसे करें ये बहुत ज़रूरी है। अगर नकली ऑयल जो होगा, यानी कि जो ख़राब ऑयल है, उसको अगर आप अपनी बाइक में या स्कूटी में यूज़ करोगे तो उसका इंजन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहचान करने के लिए सबसे सिंपल तरीका देखिए दोस्तों, ये है जो असली ओरिजिनल जो इसका डिब्बा होगा इंजन ऑयल का, उसका जो कैप होगा, ये उसका कैप आप देख सकते हैं। दो कैप मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक आप ये देखिए, उसके बाद आप ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कितना क्लियर है। इसका जो बारकोड बना हुआ है ऊपर और जो नंबर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है बिल्कुल देखने से ही नकली लग रहा है कि किसी ने ऐसी छाप दिया हो इसके ऊपर। ये तो दोस्तों सबसे बड़ी पहचान यही है इसकी। ये असल में क्या करते हैं लोग कि इंजन ऑयल के जो खाली डिब्बे होते हैं, मैकेनिक लोग से खरीद के लेके जाते हैं, उनको साफ़ कर कर उसको, उसके अंदर एक लाल घोड़ा करके एक इंजन ऑयल आता है खुला हुआ, जो कि 70-80 रुपये लीटर आता है, उसको उनमें भर कर और एक नया एक ये कैप लगा कर इसकी उसको मार्केट में बेचते हैं। और ये ऑयल डालने से आपके इंजन में क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ऑयल होता है ये बड़ी बड़ी मशीनों में डलता है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ही मोटा ऑयल होता है। और दूसरी बात यह है कि ये इसके जो हीटिंग, मतलब गर्म होने के बाद जो इसकी क्वालिटी होती है वो भी बहुत बेकार होती है। ये अगर आप इसको डालने के बाद बाइक को अगर आधा घंटा चलाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे इंजन ऑयल बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला, तो वो लुब्रिकेशन सही से कर ही नहीं पाएगा और इंजन जो है वो उसके जो पार्ट्स हैं वो वियर टियर होंगे इंजन ऑयल। तो इसलिए ये इंजन ऑयल डालना बिल्कुल बेकार है गाड़ी के अंदर। तो आप इस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं कि जो कैप पे बारकोड बना हुआ है ये जो है बिल्कुल साफ़ होगा। अगर मान लीजिए जैसे इसके ऊपर बना हुआ है बिल्कुल साफ़ है, और दूसरी तरफ ये देखिए आप, ऐसा लग रहा है किसी ने छाप दिया हो। और अगर आप और पूरा इंजन ऑयल का पूरा डिब्बा चेक करेंगे तो लगभग सारी चीज़ें सेम है, क्योंकि डिब्बा तो ओरिजिनल ही है, ये साफ़ करके इसको मार्केट में उतारा जाता है, हर चीज़ इसकी सेम है, इसकी बनावट, इसकी लिखावट। हाँ, ये स्टिकर शायद वो दोबारा लगाते हों, क्योंकि मेरे को भी डाउट हो रहा था। ये आप देख सकते हैं शायद कैमरे में ना नज़र आए, इसका जो स्टिकर का जो कलर है वो, इसका जो कलर है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप है, थोड़ा दिख रहा है अच्छे से, इसका कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, इसका कम है। और दूसरी बात, अगर लेबलिंग की देखी जाए और जो होती है वो लेबलिंग लगभग सब दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं इसकी लेबलिंग जो है, और अब ये वाला देखिए, इसकी लेबलिंग दोनों की सेम है, क्योंकि डिब्बा तो लगभग एक जैसा ही है, बस जो सील करते वक्त जो ये ढक्कन होता है ये अलग होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।